मैं ख्वाहिश करता हूं कि प्लीज इंडिया हमें इनवाइट करें हमारी क्रिकेट टीम, हम आकर आपके साथ क्रिकेट खेलें, आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, आप हमारी T20 की सीरीज भी रखें, आप हमारी वनडे की सीरीज भी रखें, आप हमारे साथ आकर टेस्ट मैच भी खेलें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एबी न्यूज में स्वागत है, यानी अखंड भारत में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बायलैटरल सीरीज जो है वो तकरीबन 2004 के बाद से बंद पड़ा हुआ है, और फाइनली जो है यह अब तक यहां पर चौबंदी पर आया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय सीरीज जो है अब तक यहां पर नहीं खेला गया है। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान का टक्कर जो होता है वो या तो ICC इवेंट में होता है या फिर एशिया कप के अंदर होता है, इसके अलावा और कहीं भी आप लोगों को जो है इन दोनों टीमों के बीच जो है मैच देखने के लिए नहीं मिलता है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के आवाम जनता जिसको हम लोग कहते हैं, फाइनली वहां के नेता जो हैं वो सारे चाहते हैं कि अब जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो, दोनों देश जो है इस बात पर समझौता करें। बट भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक तरफ जहां अपनी जुबान पे अल्लाह का नाम रखते हो, प्यार काम प्यार और मोहब्बत दिखाते हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ आप जो है अपने कमर में चाकूनी बंदूक रखते हो, तो भाई साहब ऐसे में तो हम दोनों के देशों के बीच जो है ऐसी कोई सीरीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम जो है चाइना के साथ तो फिलहाल खेल ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना जो है क्रिकेट के अंदर है ही नहीं। बाकी क्रिकेट के अंदर हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के बीच हम जो है सीरीज खेलते हैं, चाहे वो छोटी कंट्री हो या फिर बड़ी कंट्री हो, हम उसके साथ जो है नॉर्मली खेलते ही खेलते हैं। बट आप जो है इस तरह के बिहेव करोगे तो भाई साहब आपके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। तो ऐसे में आप जो है इजीली तरीके से आप अपने देश के अंदर ही जो भी चीजें PSL करवाते हैं, KPL करवाते हैं, जो भी चीजें आप करवाते हैं तो वो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या यहाँ पर जो है बोलती है, फाइनली उसके मजे लेते हैं। और वीडियो में अंत में जो है फाइनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला मैंने जो वीडियो क्लिप डाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। नहीं यार, नहीं आप इसरार कर रहे हो। नहीं मैं आज इंडिया की नहीं। देखो उनके साथ जो होना था हो गया। देखो अब मैं नहीं यार, देखो मैं अपनों की खिंचाई करता हूं तो ये दिनों तक सोते नहीं है यार, इंडिया की नहीं है। देखिए ये होती है, इंसान जो है ना अपनी हम्बलनेस से पहचाना जाता है, अपनी ह्यूमिलिटी से पहचाना जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम को भी दाद इस चीज की जरूर देते हैं कि उन्होंने हंसते मुस्कुराते जो है ना वो मैच खत्म होने के बाद गले से भी लगाया। सिर्फ एक बंदा नाराज था, रवि शास्त्री, बाकी पता नहीं क्यों पूरी इंडियन टीम पहली बॉल से ही यार हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ऐसे समझ कुछ नहीं आई। चल जीते हम, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। वो मतलब सिर्फ मैंने ये कहना था कि इंडिया वाले बहुत मतलब छिछोरपना कर रहे थे, हम धूल चटा देंगे, थूक चटा देंगे, हमारे भी पागल हुए थे बेवजह। मैं तो दोनों को समझा रहा था रिलैक्स करो, फतेह क्रिकेट के गेम की हुई है। और यहां पर मैं जैसे अपने वजीर आजम से बात करता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करूंगा, क्योंकि देवी और सजनों के भाई अब वक्त आ चुका है कि आप हमें इन्वाइट करें हमारी क्रिकेट टीम, हम आकर आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, आप हमारी T20 की सीरीज भी रखें, आप हमारी वनडे की सीरीज भी रखें, आप हमारे साथ आके टेस्ट मैच भी खेलें, क्योंकि यकीन करो यार इस PSL से भी हम सत गए हैं। पता नहीं क्या सुल्तान, मुल्तान, लाहौर, कलंदर, पता नहीं क्या क्या ये जो खेल रहे हैं ना, इससे बेहतर ये है कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि प्लीज इंडिया हमें इन्वाइट करे, हम अमन के ख्वाह हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, आए हमारे साथ क्रिकेट खेलें, मुमकिन है कुछ मैच हम जीतें, मुमकिन है कुछ मैच आप जीत भी मरोड़ते जाएंगे और इस हद तक मरोड़ देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे बाद में उनकी शरायत मानने पर ऑन देयर टर्म किसी को आगे लेकर चलते हैं। हमने हर कुर्बानी दे दी नाजरीन पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी FATF के अंदर हम स्लेटी रंग के ही रहे, ना हमें गोरों में ना कालों में बल्कि ग्रे लिस्ट। IMF ने भी हमें मुंह ना लगाया, हम गए वहां बड़े प्यार से हैं, लेकिन फिर तेरे कूचे से निकले बड़े बेआबरू होकर, हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बात यह कि IMF ने भी मुंह नहीं लगाया FATF। मैं इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहना चाहता हूं, यार हम आपका सरमाया पाकिस्तान, आप हमसे रुजू करें, आप हमसे बात करें, नोटू हम देंगे आपको। आप ये जो सारी दुनिया में घूमते हैं भीख मांगते हैं हाथ